यूपी के जनपद हमीरपुर की सुमेरपुर थाने के अंतर्गत सेना में कार्यरत एक सैनिक अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि सैनिक अपनी बीबी और बच्चे को गांव में ही छोड़कर देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन गांव के कुछ दबंग उसकी बीवी के साथ अभद्रता कर रहे हैं और बच्चे को अगवा करने की भी धमकी दे रहे हैं। पुलिस में शिकायत करने पर मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने पर दबंगों के हौसले और अधिक बढ़ गए हैं। कोई कानूनी कार्रवाई न होते देख फौजी अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठ गया है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने काफी समझाने बुझाने के बाद अनशन खत्म करवाया और आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। मेरे परिवार उधरी सुमेरपुर में रह रहा है, मैं फौज में कार्यरत हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ अधिकतर। कार्रवाई ये थी कि रास्ते में खड्डा खोद रहा था, फैमिली उधर से निकल रही थी, बच्चे निकल रहे थे, निकलते ही निकल जाने के लिए बोला भैया निकल जाने दो, इसी टाइम उसने गाली गलौज किया और फौड़ा ले गए, जान से मारने की धमकी दी, अश्लील हरकतें की, और इसके बाद में 100 डायल किया। 100 डायल करने के बाद में पुलिस आई, पुलिस राहुल को मौके पे खड्डा खोदते हुए ले गई और नॉर्मल कार्रवाई 151 में उसका चालान किया। चालान करने के बाद में राहुल वापस शाम को पहुंचा और दोबारा गाली गलौज करने लगा, जिससे बच्चे बेहद परेशान हो गए। दोबारा हमने एसपी के पास ज्ञापन दिया, एसपी यही करें हो जाएगा, अभी सुनवाई हो जाएगी, अभी हो जाएगी, लेकिन कहीं नहीं हुई। इसके बाद में चार्जशीट उठक हुई, चार्जशीट सी ओ पे इसी से वापस दोबारा चली गई, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते से निकल कर जा रही थी, 31 जुलाई की बात है, लगभग 10 बजे सुबह मैं अपने कार जरूरी काम से जा रही थी सर। रास्ते में राहुल गड्ढा खोद रहा था और रास्ता को पूरा अवरुद्ध कर रहा था। फिर मैं निकली, जैसे तैसे राहुल को मैंने कहा भैया रास्ता गड्ढे में मत खोदो, तो राहुल मेरे साथ अश्लील हरकतें करता हुआ और मुझे गाली गलौज करने लग गया और जान से मारने के लिए फावड़ा लेकर मेरे पीछे दौड़ा। तब मैं सर घर के अंदर घुस गई और चैनल लगा, अपना ताला लगा लिया जल्दी जल्दी से, और फिर राहुल तब तक मेरे मुझे गाली गलौज करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा। फौजी हैं जो कि चबूतरे पर बैठे हुए हैं, उनका एक मामला थाना सुमेरपुर संबंधित है। अभी मैं सीओ साहब को बता रहा हूँ, सीओ सदर द्वारा इंस्पेक्टर उन्हीं के लेवल पे जांच कराई जा रही है, पुनः देख लेते हैं उसमें डिले क्यों है। जांच जो भी निष्पक्ष होगा वही जांच कराई जाएगी, जो तथ्य आएंगे अग्रिम कार्रवाई होगी। हमीरपुर से हरीश चंद्र राजपूत की रिपोर्ट।